सदर थाना क्षेत्र के खरवा गांव में गत 17 फरवरी को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के आगमन से पूर्व दो गुटों के बीच आपसी विवाद के बाद हुई फायरिंग मामले में सदर पुलिस ने मंगलवार को दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को बुधवार को सुबह न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया गया है। सदर थाना अधिकारी चिनाराम बेड़ा के अनुसार 17 फरवरी को दोपहर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के आगमन से पूर्व हुई फायरिंग मामले में आरोपियों की धरपकड़ के लिए जिला पुलिस अधीक्षक चिनाराम जाट ने एसपी ग्रामीण वैभव शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक मसूदा ईश्वर सिंह के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया था। गठित टीम ने जाँच पड़ताल के बाद मंगलवार को फायरिंग के आरोप में लालाराम गुर्जर पुत्र भैयाराम गुर्जर निवासी ग्राम सूती खेड़ा बाड़ी विजयनगर तथा परमेश्वर गुर्जर पुत्र सोजीराम गुर्जर निवासी ग्राम बाड़ी विजयनगर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम में सीआई बेड़ा के साथ एसआई चेतन सिंह, हेड कांस्टेबल रामकिशन, कांस्टेबल प्रवीण चौधरी, पुलिस लाइन अजमेर सुखपाल, मनोज हरेंद्र एवं राजूराम थाना सदर शामिल है। मामले में रानी सागर निवासी जसवीर सिंह रावत ने रिपोर्ट दी थी कि स्वागत कार्यक्रम के दौरान सुरेश उर्फ सूर्या गुर्जर 3 स्कॉर्पियो कार में सवार होकर अपने साथियों के साथ खरवा आया और उसे जान से मारने की नियत से ही फायर किया। यह भी बताया गया कि सूर्या ने कुछ दिनों पूर्व हनुतिया रामगढ़ में भी उस पर हमला किया था, जिसका भी प्रकरण विजयनगर पुलिस में दर्ज कराया गया है। फिलहाल पुलिस अब सुरेश उर्फ सूर्या सहित उसके अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। ज्ञात रहे कि खरवा चौराहे पर राजे का स्वागत कार्यक्रम था, मगर इस बीच राजे के पहुंचने से पहले ही दो गुटों में आपसी कहासुनी हो गई, जिसके चलते भीड़ में से किसी ने मौके पर फायरिंग कर दी, जिससे मौके पर दहशत का माहौल पैदा हो गया था। पुलिस को बड़ी मुश्किल से स्थिति को संभालनी पड़ी थी। मामले में जसवीर सिंह की ओर से सुरेश एवं उसके साथियों के खिलाफ फायरिंग का मामला दर्ज करवाया गया था।